दोस्तों, जब भी एक सिविल इंजीनियर एक्चुअली साइट पे काम करता है और वो एक्चुअली देखता है कि हर एक आरसीसी मेंबर में स्टील को कैसे फिक्स किया जाता है, उसके बाद उसके लिए ड्राइंग्स को रीड करना काफी आसान हो जाता है। उसमें उसको कुछ भी डिफिकल्टी नहीं आती है, क्योंकि उसने एक्चुअल में उसको देखा हुआ होता है कि हर एक आरसीसी मेंबर में स्टील कैसे फिक्स होता है, राइट। बट जब आपको वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता है, जब आपने जब तक यू नो एक्चुअल में नहीं देखा हुआ होता है कि हर एक आरसीसी मेंबर के अंदर स्टील कैसे फिक्स किया जाता है, तब तक ही आपको ड्राइंग्स को रीड करने में डिफिकल्टी आती है, तब तक ही आपको आरसीसी ड्राइंग्स को रीड करने में प्रॉब्लम्स आती है। तो इसीलिए जो भी हमारे फ्रेश सिविल इंजीनियर्स है, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसके अंदर मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कि फुटिंग के अंदर स्टील को कैसे फिक्स किया जाता है, ठीक है। कौन कौन से टाइप्स के बार्स फुटिंग के अंदर फिक्स होते हैं, उनको फिक्स करने का क्या रूल्स है, और जो फुटिंग के जो डिटेल्स होते हैं, जैसे कि फुटिंग की साइज, उसकी लेंथ, उसकी विड्थ, उसकी डेप्थ, या फिर फुटिंग में जो भी स्टील फिक्स हो रहा है उसका जो डायमीटर है वो, उनका सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, ये सारे डिटेल्स हमको किस ड्रॉइंग से मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, ये सारे डिटेल्स भी मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे फुटिंग की क्रॉस सेक्शनल ड्रॉइंग। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि क्रॉस सेक्शनल व्यू में कौन कौन सी डिटेल्स हमको दी जाती है, और उसके बाद हम लोग मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि क्रॉस सेक्शनल व्यू मतलब क्या, कैसे लेते हैं क्रॉस सेक्शनल व्यू को, ठीक है। ये सारे डिटेल्स मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने एक जो आरसीसी ड्राइंग में जो क्रॉस सेक्शनल व्यूज और प्लान व्यूज दिए हुए होते हैं, उन्हीं को यहाँ पे प्रेजेंटेशन फाइल के अंदर लिया है, उनमें कुछ एनिमेशन को ऐड करके, ताकि आपको ये सारी चीजें समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले तो हम लोग क्विकली देखेंगे कि क्रॉस सेक्शनल व्यू में कौन कौन से डिटेल्स दिए हुए होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि बॉटम में एक पीसीसी बेड यहाँ पे दिखाया गया है, जो कि 100 mm थिकनेस का है। और यहाँ पे और एक डिटेल यहाँ पे दी गई है कि ये जो ग्रेड है पीसीसी का वो है M15। M15 ग्रेड के अंदर यहाँ पे पीसीसी बेड को कास्ट करना है, जिसकी थिकनेस है 100 mm, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसके ऊपर जो ये बॉक्स आपको दिख रहा है ग्रे कलर का, ये है फुटिंग, ये है हमारी एक्चुअल फुटिंग। तो बेसिकली ये बॉक्स फुटिंग है, जिसकी डेप्थ भी यहां पे दी गई है जो है 450 mm, करेक्ट। इसके बाद यहां पे जो बार आपको दिख रहा है, ये है फुटिंग का मेन बार्स। तो यहां पे सबसे पहला रूल आपको याद रखना है कि मेन बार्स ऑफ द फुटिंग्स आर ऑलवेज प्लेस्ड एट द बॉटम, ठीक है। जो भी मेन बार्स होते हैं फुटिंग में, वो हमेशा बॉटम साइड में फिक्स किए जाते हैं। और आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो बार्स है, ये उनके दोनों एंड पे इस तरीके से 90 डिग्री में बेंड किए गए हैं, राइट। और उसके बाद उसके ऊपर आएंगे हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बार्स। तो ये जो डॉट डॉट आपको दिख रहे हैं, ये है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बार्स, जो कि प्लेस होते हैं हमेशा मेन बार्स के टॉप पे, ठीक है। अब ये ऐसे डॉट डॉट क्यों दिख रहे हैं, ये भी चीज मैं आप लोगों को अभी जल्द ही बताऊंगा। उसके बाद जो यहाँ पे ये जो बेंड पोर्शंस है, तो बेसिकली आपको ये भी समझना होगा कि जैसे कि ये मेन बार्स यहाँ पे दोनों एंड में बेंड किए गए हैं, उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन बार्स भी दोनों एंड में बेंड किए जाएंगे, बट ये क्रॉस सेक्शनल व्यू के अंदर आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको इमेजिन करनी होती है, कुछ चीजें यहाँ पे सभी चीजें ड्रॉइंग्स के अंदर नहीं दिखती है, जो आपको इमेजिन करनी पड़ती है, और वो आप तभी इमेजिन कर पाओगे जब आपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लिया है, जब आपने एक्चुअल में देखा है कि साइड पे स्टील को कैसे फिक्स किया जाता है, राइट। अब इसके बाद हमको और एक डिटेल यहां पे दी गई है, जो है फुटिंग का कवर, जो कि है 50 mm, राइट। उसके बाद यहां पे जो ये वर्टिकल बार्स आपको दिख रहे हैं, ये है कॉलम बार्स। तो इस तरीके से कॉलम बार्स को भी फुटिंग के अंदर फिक्स किया जाएगा फुटिंग को कास्ट करने से पहले ही। और आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो वर्टिकल बार से, इनको इस तरीके से फुटिंग के अंदर बेंड किया जाता है 90 डिग्री में। जितने भी कॉलम के वर्टिकल बार जो फुटिंग में जा रहे हैं, उन सभी बार्स को बॉटम में इस तरीके से बेंड किया जाता है 90 डिग्री में, ठीक है। और इसके बाद ये जो नए बार्स आपको दिख रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल बार्स, इनको कहा जाता है लिंक्स। तो यहाँ पे आपको और एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी ये रिंग्स बीम्स में प्रोवाइड की जाती है, तो उनको हम कहते हैं स्टीरअप्स टेक्निकल लैंग्वेज में, और जब भी सेम रिंग्स कॉलम के अंदर प्रोवाइड की जाती है, तो उनको हम लोग कहते हैं लिंक्स। ऑलराइट, LINKS, लिंक्स। इन केस ऑफ कॉलम्स वी कॉल देम एज लिंक्स। ऑलराइट, तो ये डिफरेंस भी आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि ड्राइंग में हमेशा इनको लिंक्स कहा जाएगा और बीम्स की केस में उनको
स्टीरअप्स कहा जाएगा, ऑल राइट। तो ये सारे बार्स यहाँ पे इस क्रॉस सेक्शनल ड्रॉइंग के अंदर हम लोगों को दिख रहे हैं। और फाइनली ये जो बेंड पोर्शन है, जो ये कॉलम के वर्टिकल बार्स यहाँ पे बेंड हो रहे हैं फुटिंग के अंदर 90 डिग्री में, उस बेंड पोर्शन की जो लेंथ हमको दी गई है वो है 300 mm, ठीक है। तो इस क्रॉस सेक्शनल व्यू के अंदर हमको इतनी सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। अब मैं आप लोगों को ये बताता हूं कि क्रॉस सेक्शनल व्यू मतलब क्या, उसको कैसे लिया जाता है। तो बेसिकली किसी भी आरसीसी मेंबर को अगर आप वर्टिकली कट करोगे उसके सेंटर से, ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं ये जो कॉलम और फुटिंग का क्रॉस सेक्शनल व्यू यहाँ पे है, तो मान के चलिए कि अगर आप इस कॉलम को बिल्कुल उसके सेंटर से कट करते हो वर्टिकली बिल्कुल नीचे तक फुटिंग के बॉटम तक, तो आप अगर उस पर्टिकुलर कटे हुए सेक्शन को अगर एक साइड से देखते हो तो वो कैसी दिखेगी, वो ड्राइंग कैसी दिखेगी, उसमें क्या क्या डिटेल्स आपको दिखेंगे, उसको हम लोग कहते हैं क्रॉस सेक्शनल व्यू, ठीक है। तो इस तरीके के डिटेल्स आपको उस क्रॉस सेक्शनल व्यू के अंदर दिए जाएंगे। अब इसके साथ ही और एक व्यू होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्लान व्यू। तो प्लान व्यू मतलब क्या, अगर आप इसी फुटिंग को ऊपर से देखोगे, टॉप से देखोगे, बिल्कुल उसके ऊपर से देखोगे, तो वो कैसी दिखेगी, उसको हम लोग कहते हैं प्लान व्यू, करेक्ट। अब चलिए देखते हैं कि प्लान व्यू के अंदर हमको कैसी इसकी डिटेल्स दिखेंगी रीइंफोर्समेंट की। तो बेसिकली ये जो है फुटिंग का शॉर्टर साइड है और ये है फुटिंग का लॉन्गर साइड, राइट। अब यहां पे हमने पहले देखा था सबसे पहला रूल कि जो हमारे मेन बार्स होते हैं फुटिंग में वो हमेशा फुटिंग की बॉटम में प्रोवाइड किए जाते हैं, राइट। तो ये हमारे मेन बार्स है यहाँ पे। और यहाँ पे दूसरा रूल अभी आपको याद रखना है कि मेन बार्स ऑफ द फुटिंग्स आर ऑलवेज प्लेस्ड पैरेलल टू द शॉर्टर स्पैन ऑफ द फुटिंग, ठीक है। हमारे जो फुटिंग के मेन बार्स है सबसे पहले तो वो बॉटम में प्रोवाइड किए जाते हैं फुटिंग के, और दूसरा जो रूल है वो ये है कि वो हमेशा प्लेस किए जाते हैं पैरेलल टू द शॉर्टर स्पैन ऑफ द फुटिंग। जो भी फुटिंग का शॉर्टर साइड होगा उसको पैरेलल वो प्लेस किए जाएंगे बॉटम साइड में, राइट। ये हमारा दूसरा रूल है। और उसके बाद जो हमारा तीसरा रूल है वो ये है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स होते हैं वो हमेशा प्लेस किए जाते हैं पैरेलल टू द लॉन्गर साइड ऑफ द फुटिंग। जो हमारी फुटिंग की लॉन्गर साइड होती है उसको वो पैरेलल प्लेस किए जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार्स, और वो प्लेस किए जाते हैं मेन बार्स के टॉप पे, ठीक है। तो ये जो रीइंफोर्समेंट डिटेल्स है वो प्लान व्यू में कुछ इस तरीके से दिखेंगी। बट आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे अगेन वो जो बेंड पोर्शन है, ये जो बार्स, जो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स और जो मेन बार्स है वो जो बेंड किए जाने वाले हैं दोनों एंड पे इस तरीके से 90 डिग्री में, वो जो बेंड पोर्शन है वो यहाँ पे कम्प्लीटली जो प्लान व्यू में है वो नहीं दिख रहा है, राइट। तो ये भी चीज़ें अगेन आपको इमेजिन करनी होती है, जो कुछ चीज़ें जो ड्रॉइंग्स में नहीं दिखती है, राइट। तो अगेन एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि ये ऐसे डॉट डॉट क्यों दिख रहे हैं। तो बेसिकली जैसे हमने डिस्कस किया था कि अगर आप इस पर्टिकुलर मेंबर को वर्टिकली कट करोगे तो ऑब्वियसली ये बार्स यहाँ पे इस तरीके से कट हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बार्स, राइट। तो कट होने की वजह से वो इस तरीके से डॉट डॉट जैसे दिख रहे हैं, ऑल राइट। तो इस तरीके से आपको ड्राइंग को रीड करना होता है। तो चलिए अभी क्विकली मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल में ये चीज़ें कैसी दिखेंगी। एक्चुअल में मैं एक आपको अभी फोटो दिखाता हूँ। तो ये इमेज अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो हमारे कॉलम के जितने भी वर्टिकल बार्स है इनको इस तरीके से फुटिंग में बेंड किया गया है, राइट। जो कि हमने यू नो ड्राइंग में भी देखा था। तो इसका जो लेंथ है वो हमको यहाँ पे दिया गया था 300 mm। और उसके साथ ही यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो कि ये जो फुटिंग मेश है इनमें जो भी मेन बार्स है, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन बार्स है, सारे बार्स को आप लोग देख सकते हैं कि दोनों डायरेक्शन में इनको दोनों एंड पे बेंड किया गया है, राइट, 90 डिग्री में, करेक्ट। तो अभी आप लोग ये ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि एक बार आपने प्रैक्टिकली ये चीज़ देख ली, अब ये इमेज देखने के बाद आपको वो जो ड्राइंग हमने देखी है ऑलरेडी वो आपको काफ़ी क्लियर हो गई होगी अभी, राइट। तो ये फ़र्क पड़ता है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का। अब अगर आप एक्चुअली किसी चीज़ को देख लेते हो तो उसके बाद उसके ड्राइंग्स को रीड करना काफ़ी आसान हो जाता है, राइट। तो इस तरीके से फुटिंग में स्टील प्रोवाइड किया जाता है। अब हम लोग क्विकली ये देखेंगे कि ये जो सारे बार्स इसमें दिए हैं फुटिंग में इनका जो डायमीटर है, इनका जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है, और इसके साथ ही जो फुटिंग का साइज है, उसका लेंथ, उसका वेड़, उसका डेप्थ या हाइट, ये सारे डिटेल्स हमको कहाँ पे मिलेंगे ये चीज़ अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये सारे डिटेल्स अगर आपको जानना है तो आपको रेफर करनी पड़ेगी ये ड्रॉइंग जिसका नाम है कॉलम एंड फुटिंग डिटेल्स,
ठीक है, जनरली इस ड्राइंग का नाम होता है कॉलम एंड फुटिंग डिटेल्स या कॉलम एंड फाउंडेशन डिटेल्स। इस ड्राइंग के अंदर आपको इस तरीके का स्केड्यूल ऑफ फाउंडेशन टेबल दिया जाएगा और इस टेबल के अंदर आपको सारे वो डिटेल्स मिल जाएंगे फुटिंग के बारे में जो हम लोग देख रहे हैं, जैसे कि फुटिंग की साइज़। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये सेकेंड रो देखेंगे तो यहाँ पे फुटिंग साइजेस दी गई है, लेंथ ऑफ द फुटिंग, विड्थ ऑफ द फुटिंग, और उसके टॉप में यहाँ पे फर्स्ट रो में यहाँ पे डेप्थ ऑफ द फुटिंग दी है, राइट। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फुटिंग्स है, यहाँ पे डिफरेंट फुटिंग ग्रुप्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो फुटिंग ग्रुप का मतलब क्या होता है, बेसिकली जिन भी फुटिंग की जो डिटेल्स है वो सेम होती है उनको एक ग्रुप में लिया जाता है और हर एक फुटिंग ग्रुप के लिए यहाँ पे अलग से डिटेल्स दिए हुए होते हैं हर एक कॉलम के अंदर इस पर्टिकुलर टेबल में, ठीक है। तो हर एक फुटिंग ग्रुप के लिए आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं अलग से उनके साइजेस दिए गए हैं, उसकी डेप्थ, उसकी लेंथ, उसकी विड्थ। तो इस तरीके से आपको फुटिंग के साइजेस यहाँ पे मिल जाएंगी और उसके साथ ही जो हमारा जो हमारे स्टील बार्स है उनके डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। तो जो भी बॉटम मेश है, टॉप मेश है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमने अभी ड्राइंग देखी थी उसके अंदर ओनली बॉटम मेश थी फुटिंग के अंदर, तो इसी तरीके से कुछ कुछ फुटिंग्स के अंदर टॉप मेश भी होती है सेम तरीके की, ठीक है। तो जो बॉटम मेश है, जो टॉप मेश है, उनमें जो भी बार्स फिक्स होने वाले हैं उनका डायामीटर क्या है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाया गया है कि स्टील डाया जो है वो 8 mm का है और जो उनका सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है वो 100 mm सेंटर टू सेंटर है, राइट। जो भी हमारे मेन बार्स है, डिस्ट्रीब्यूशन बार्स है, उनके सारे डिटेल्स इस तरीके से इस टेबल में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये जो डिटेल्स है हमको यूज करने होते हैं फुटिंग की क्वांटिटी निकालने के लिए, उसकी कॉन्क्रीट की क्वांटिटी, उसकी फॉर्मवर्क की क्वांटिटी, देन जो हमारे स्टील की क्वांटिटी है उसको निकालने के लिए हमको BBS बनाना पड़ता है। तो ये सारे काम कैसे करने होते हैं प्रैक्टिकली, कैसे हम फुटिंग्स की क्वांटिटी निकाल सकते हैं, स्टील की क्वांटिटी कैसे निकाल सकते हैं, अब BBS कैसे बनाना होता है साइट पे, किस फॉर्मेट में बनाना होता है, क्या उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ये सारी चीज़ें अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो आपके लिए मैंने उसके ऊपर एक ज़बरदस्त कोर्स बनाया है जिसका नाम है प्रोफेशनल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो बेसिकली इस कोर्स के अंदर मैं आप लोगों को बिल्कुल डिटेल में सिखाऊंगा कि कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए, चाहे वो सिंगल स्टोरीड बिल्डिंग हो, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग हो या फिर हाई राइज बिल्डिंग हो, चाहे किसी भी टाइप की बिल्डिंग हो, चाहे रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो, कमर्शियल बिल्डिंग हो, किसी भी टाइप के बिल्डिंग के लिए एक डिटेल्ड एस्टिमेट कैसे बनाते हैं, हर एक आइटम ऑफ वर्क की क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट कैलकुलेट कैसे करते हैं, रेट्स कहाँ से लेते हैं, जो भी मार्केट रेट्स होते हैं या फिर गवर्नमेंट रेट्स होते हैं वो कैसे लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैंने उस कोर्स के अंदर डिटेल में कवर की है। तो बेसिकली दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ कि वो कोर्स बनाने के लिए मुझे लगभग 3 साल लगे हैं और मेरी एक ही फिलॉसफी रही है कि हर दिन मैं उस कोर्स को 1% बेटर करने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि पिछले 3 साल के अंदर वो कोर्स किस लेवल पे अभी आया होगा, राइट। तो इसीलिए वो कोर्स मैंने इस तरीके से अभी बनाया है कि मैं गारंटी देता हूँ कि आप वो जैसे ही कोर्स कंप्लीट करोगे तो आप किसी भी बिल्डिंग के लिए एस्टिमेट बना पाओगे, ये गारंटी मैं मेरी साइड से देता हूँ। और इसीलिए मैंने इस कोर्स के ऊपर मनी बैक गारंटी भी रखी है, अगर आपको ये कोर्स पसंद नहीं आता है तो पहले 7 दिन के अंदर मैं आपकी पूरी जो फीस है वो रिफंड कर दूंगा, ठीक है। और इसके साथ ही आपको कोर्स में बहुत सारे अलग अलग बोनसेस भी मिलने वाले हैं लाइफ टाइम के लिए। अभी भी मेरी फिलॉसफी सेम ही है, हर दिन मैं 1% उस कोर्स को बेटर करते हुए जा रहा हूँ। जो भी मुझे स्टूडेंट से फीडबैक मिलते हैं उसको मैं इमीडिएटली उसमें अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, जो भी मुझे ज़रूरी लगता है उस कोर्स को बेटर बनाने के लिए। तो बेसिकली जो भी नए नए अपडेट्स उस कोर्स के अंदर आएंगे वो भी आपको फ्री में मिलेंगे फ्यूचर में, और आपको इस कोर्स का लाइफ टाइम एक्सेस दिया जाता है। बेसिकली एक प्री रिकॉर्डेड कोर्स है जिसमें मैंने सारे वीडियोस की इस तरीके से रिकॉर्डिंग की है, जैसे आप लोगों ने ये वीडियो अभी देखा है फिलहाल उसी तरीके से मैंने सारे वीडियोस को रिकॉर्ड करके वहां पे आपके लिए प्रेजेंट किया है। तो ये प्री रिकॉर्डेड कोर्स है जिसका एक्सेस आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगा और उसमें वीडियोस को देखते टाइम, वीडियो सेशंस को देखते टाइम आपको जो भी डाउट्स आते हैं तो उनके लिए मैं खुद आपके सारे डाउट्स के ऊपर रिस्पॉन्ड करूंगा, आपके सारे डाउट्स भी क्लियर किए जाएंगे। तो अगर आप सही में इंटरेस्टेड है इस कोर्स को ज्वाइन करने में या इस स्किल को मास्टर करने में, और अगर आपको लगता है कि आप आपके करियर के अर्ली फेज में ही इस स्किल को मास्टर करें, जिसको सीखने के लिए बहुत सारे सिविल इंजीनियर्स को 5-5, 6-6 साल लग जाते हैं, उस पर्टिकुलर स्किल को आप बहुत जल्दी 1 महीने के अंदर मास्टर हो सकते हैं उस स्किल में इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद।
तो इस कोर्स का बेनिफिट उठाइए। फिलहाल जो आपके लिए स्पेशल ऑफर चल रहा है उसका भी आप बेनिफिट लीजिए। और अगर आप इंटरेस्टेड है तो इस कोर्स की लिंक जो है मैंने इस पेज के बायो में दी है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। उस लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको सारे कोर्स डिटेल्स वहाँ पे मिल जाएंगे, और उसके साथ ही वहाँ पे रजिस्ट्रेशन का लिंक भी प्रोवाइड किया गया है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ जो भी जानकारी मैंने इस वीडियो के अंदर आप लोगों को दी है वो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, यूजफुल लगी होगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।